और 6:30 होने वाला है। सुबह का देखो भाई, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। ऐसा हो तो आज देखो ट्रैफिक एकदम खाली रहता है। देखो अभी आया हूँ मैडम के माँ के घर पे। कल मुझे मिला है पैसा पानी उनी के लिए, ठीक है। अभी मुझे खाना उना दे दिया, अभी जानती है कि सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, सुबह से लेट लागो फी अदा रुक्सा अदा तैयार। देखो भाई मिठाई कितना पैक कर लिए हैं अब। सो हे गाइस, वेलकम टू एनी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हो गए। तो भाई अभी तो मैडम कहीं निकली नहीं, फोन आया कि नहीं, समय कितना हो रहा है। और देखो अचानक नींद खुलता है सुबह में, और 6:30 होने वाला है। मैडम निकली नहीं, चलते हैं 12 सर्च कर लेते हैं। निकली तो ठीक है, नहीं निकली को तो फिर सोएंगे अब, क्योंकि नींद आ रहा है बहुत तेज। रात को गए थे दोस्तों के साथ घूमने, 12-1 बजे आए, उठा के लेके चले गए सब। देखो रूम के लिए पेंट लेकर आया था, तो थोड़ा सा करके ट्राई मार रहा हूँ कि कैसा है पेंट। और अभी सूख गया। कपिल मेरा चला गया है, और सब मदरसा जा रहे हैं अभी। तो सुबह आज मुझे नहीं लग रहा है जाएगी मैडम मदरसा, क्योंकि 7:30 हो गया और गाड़ी में मेरे सामान है, तो जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है। तो देखते हैं कहीं जा रही है तो ठीक है। सुबह का देखो भाई, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। शमसुल अभी 7 बजे जाता है मदरसा, तो अभी वो भी सोया होगा, अभी उठेगा जाएगा। तो इनका क्या है ना भाई, ये बताते नहीं है कि भाई मदरसा है कि नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है। जाना होगा तो फ़ोन करेंगे, और नहीं जाना है तो कोई मतलब नहीं, फ़ोन उन आए या नहीं, वेट करते रहो।
अभी मुझे लग नहीं रहा है कि भाई मैडम निकलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सुबह का तो टाइम है और तो अभी हम फिर सो जाएंगे भाई, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रहा है। 12-1 बजे हम चले गए घूमने और फिर आए कितने बजे, फिर हम आए सीधे 3-4 बजे भाई घूम के। तो नींद बहुत जोर से आ रहा है और सो जाएंगे भाई फिर। मैडम फ़ोन करी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है। अरे वो टाइम कितना हो गया, इतने बजे तक मदरसा पहुंच जाते थे। तो बिस्तर हमारा पूरा रेडी है, फिर सो जाएंगे हम। तो आप लोग भी फुल वीडियो में बने रहो, देखते हैं मैडम जाएगी तो चलेंगे मदरसा और नहीं जाएंगी तो चलते हैं फिर सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी फ़ोन आ गया है कपिल का और मदरसा बुला रहे अपने, पता नहीं क्या काम से बुला रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मैडम सामान वामान खरीद के लाई है जो मदरसा में उसका कुछ होगा। चलते हैं देखते हैं क्या है, क्यों बुला रहे हैं। अभी 8 बज गए हैं और ये देखो हवा कितना तगड़ा चल रहा है। जब नींद लगता है ना भाई, देखो मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पे, लेकिन बुला रहे पता है। क्यों नहीं बंद हो रहा यार ये, देखो ये सामान लेके आया था शायद, यही जा रहा हूँ पहुँचाने, बताता हूँ। ये देख लो, ये कल मैडम सामान खरीद के लेके आई थी, शायद इसी को देना है लाके। बनना आप लोग वीडियो में, चलते हैं देखते हैं कौन सा काम है। और यहाँ से कितना दूर है, यहाँ 40 किलोमीटर दूर है और इस समय सब गए ड्यूटी, रिजवान भी गया ड्यूटी, शमशुल भी गया ड्यूटी, अब हम भी जा रहे हैं। सलमान तो इस समय जाता है सुबह में, तो आता है सीधे 4 बजे रात, 4 बजे मतलब शाम को आता है, 3 बजे 4 बजे, कभी कभी जल्दी आ जाता है। हो तो आज देखो ट्रैफिक एकदम खाली रहता है आज, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया ना सारा ऑफिस ऑफिस का, तो इस समय कोई ट्रैफिक नहीं लगता है। और आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि यहाँ जो रियाद में बिल्डिंग बन रही है ना, सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग जो बन रही है, बहुत वायरल हो रहा था एक बीच, वो हम लोग के रूम के पास ही बन रहा है थोड़े दूरी पर, तो वो भी दिखाते हैं हम आप लोग को, यही पास में है। तो गाइस आज दिखाएंगे कि हमारा पुट्टा क्या काम करता है और फिर तरीका था, फिर वक्त जो था सुरता वो फिर कुल्लू चेकिंग खलास लागफी अदा रुक्सा अदा तैयारा ए खलास खलास वो कलाम रो। तो भाई अभी मुझे रास्ते में सुरता रुका लिया था, और यहाँ जो होते हैं जो वाइट गाड़ी वाले ना भाई, बिना मतलब पता नहीं चलता है कुछ में मतलब सुरता है लोग के नहीं है, तो वो अभी मुझे रुका लिए थे और वही चेक इन वगिन हो रहा था कि भाई तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब चीज़ था, जो एप्लीकेशन होता है ऑफिसर होता है, मेरे पास लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं था, लेकिन ऑफिसर होता है यहाँ का जो एक ऐप है उसमें सारा डिटेल रहता है, जैसे कि लाइसेंस हो गया, अगर तुम साथ में नहीं लियो तो वो खोल के दिखा सकते, उसमें सारा चीज़ रहता है, उसमें जो भी मुखालफा उखालफा आता है चलान आता है सब उसमें मैसेज आ जाता है। वो एप्लीकेशन था तो मैंने खोल के दिखा दिया अपना लाइसेंस और रुकसा गाड़ी का कागज, तो वही गुड्डे को फ़ोन करके बताया मुझे सुरता रुकाया है, क्योंकि बताना ज़रूरी है अगर भाई चंद मुखालपा भी आ गया तो, मान लो अभी तो साथ में नहीं लिया था, अगर मानना चाहे तो भाई आ गया होता, तो
वही बुड्ढा को बता रहा था फोन करके, तो बोला ओके 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 यार, वो पहले ही घबरा गया कि अब फिर मुखालफा मार दिया क्या। तो चलो चलते हैं, रास्ते में अभी वहीं रुके थे, अभी बहुत दूर है यहाँ से। ठीक है, और देखो इधर आप लोग अभी नहीं आए होंगे, और देखो वो कैमरा लगा हुआ है, देखो 90 का रोड है ये। तो चलो भाई लोग पहुँचते हैं कपिल का मदरसा दिखा। तो गाइस यहाँ के जो निज़ाम है, जो यहाँ के सूरते हैं ना, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और बहुत एहतराम करते हैं। अगर तुमको मालूम चल जाएगा खारजी हो तुम, मतलब इंडिया से चाहे किसी भी मुल्क से, बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। तो अभी हमसे कहें वो, अगर देखो अगर और अगर वो चलान कटना होता ना तो मेरा कट गया होता, इसलिए कि मेरे पास लाइसेंस और क्या बोलते हैं गाड़ी का कागज़ और रुक्सा नहीं था मेरे पास साथ में। मैं ऑनलाइन दिखाया फिर भी वो मान गए, क्योंकि लाजी हम लोग को रखना चाहिए वो कार्ड हम लोग के पास में। तो अभी हम आ गए मदरसे पे अपने कपिल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं भाई, इसीलिए हम बहुत लाइक करते हैं सऊदी अरब को। आई लाइक सऊदी अरबिया, इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग आओ, सऊदी अरब बहुत अच्छा है, ख़ास करके रियाद बहुत शानदार सिटी है भाई, दिल वालों के लिए है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। सऊदी में सब अच्छे हैं यार, सऊदी में क्या चीज़ है ना भाई, इंसानियत है, बहुत प्यार मोहब्बत जो है यहाँ, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर इतना धन दौलत आदमी कहता है ये और ढिलकाना फिलकाना ढिलकाना पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, हम उससे बातों पे गौर ही नहीं करते भाई। अगर यही दौलत यही पैसा यही गाड़ी अगर हम लोग इंडिया लोग के पास रहे ना, तो आदमी के पास बैठ नहीं पाएगा आदमी, औकात वाला बन जाता है आदमी। इन लोगों के पास इतना कुछ रहने के बावजूद भी इन लोगों का कोई भी घमंड नहीं है, समझे भाई, गाड़ी लड़ा दिया। अगर ये 80-85 लाख का गाड़ी अगर कहीं अपने यहाँ स्क्रेच मार दो तो आदमी को हार्ट अटैक हो जाए। तो थोड़ा बहुत भाई अगर बोल ही देते हैं लड़ उड़ जाता है तो उसमें कौन सी बुराई बात है यार, चाहे कोई काम वाम हो जाता है। इतना महंगा महंगा गाड़ी आदमी लड़ा के छोड़ के चला आता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा सा बहुत कोई एक्स्ट्रा काम बता देता है तो सीधा वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत खाते भी यही हैं कमाते भी यही हैं, और कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, जब अच्छा ही नहीं तो भाई 5 साल से 4 साल से कर क्या रहे हो भाई, जाओ घर। तुमको जितना लोग तुमको देखेगा डायलॉग मारते हुए ना कि भाई यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये होता है, मैडम खाना नहीं देती है, सब के लिए करवाता है, घर दिलवाते है, उसका देखना हिस्ट्री उठा के, अगर वो हिस्ट्री नहीं होगा उसका, उसका सबसे पुराना वीडियो देखना, वो 4 साल रह चुका है। गाइस ये है मेरे कपिल का स्कूल, मेरे कपिल का स्कूल है भाई, देखो ये कितना गाड़ी है ना, सब टीचरों का है। अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता है बाहरी का, तो यही से बोलते हैं बाबा जी बा मौजूद मदरसा भर टाइम। तो गाइस ये दिया है कपिल मेरा कोई फतूरा उतूरा है या कोई कागज़ है, और लोकेशन दिया है, और मैं आधे रास्ते पे पहुंच गया हूँ, और चलते हैं देख के आते हैं ये। गाइस देखो ये सऊदी में भी ताजमहल बना है और बहुत खूबसूरत, और रात में बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग वाइटिंग से। ये देखो सऊदी का ताजमहल है ये भाई, एक काम ख़त्म नहीं हो रहा है दूसरा काम आ जा रहा है। अभी मैं देखो अभी अपने रूम पे पहुंच गया था, थोड़े दूर पे तेल भी ख़त्म हो गया, देखो गाड़ी का, और भी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर का, और अभी मैडम फ़ोन कर दी रास्ते में कि मैं ना पीजी बेद बाद कर लो, अब वहाँ से लेके इसको देखो फिर जाएंगे, खाना भी नहीं खाया, 7-8 बजे के निकले हुए हैं, आज तो लग गई है भाई। जिस दिन हम रात में कहीं घूम लेते हैं जाके, उस दिन पता नहीं कैसे इन लोग को मालूम चल जाता है तो तगड़ी ड्यूटी लग जाती है। भाई 19 तारीख पर हैं, यहीं से मेरा घर पड़ेगा, चलते हैं हम देखते हैं मैडम भी कहाँ जाती है भाई लोग, खाना भी नहीं खाया अभी हम सुबह से। भाई यार तुम्हारे भाई का तेल निकल गया भाई, कसम से आज बहुत आज से सीख मिलता है भाई, आज से सीख मिलता है कि एक चीज़ सीख लो यहाँ पे, सब्र। सब्र मतलब ये है भाई के कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा हमेशा आता जाता रहेगा, कभी नॉर्मल नहीं रहेगा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, अगले दिन तुम सोच नहीं सकते हो कि अच्छा होगा बुरा होगा। अभी देखो मैं कपिल बुलाया था 8 बजे मुझे मदरसा गया, वहाँ से गया 60 किलोमीटर दूर, वहाँ उसके दोस्त को वो पैसा वैसा देना था, पता नहीं क्या था मुझे नहीं मालूम,
फिर वहाँ से निकला तो मैडम आधे रास्ते में फ़ोन कर दी, तो आते ही फ़ोन करना। मैं बोला चलो कहीं लगता है बकाले वकाले कहीं जाएगी, तो फ़ोन कर दिए। अब वहाँ से तुरंत निकल के ये देखो पूरा कपड़ा वपड़ा ले लिया है और आइए माँ के घर पे सुवाई थी। फिर वहाँ 60 किलोमीटर दूर आया और अभी फिर आ गए मैडम को लेके ब्यूटी पार्लर में। हमको लग रहा कहीं शादी होती है वहीं पर आएगी, क्योंकि कपड़ा वपड़ा लेके आए हैं सब। अब रात भर हमारी तेल लगेगा 12-1-2 बजे, किधर ही हम जाएंगे रूम पे भाई। तो चलते हैं देखते हैं भाई क्या होता है, कहाँ जाती है। आप लोग बने रहो वीडियो में। अभी तो फाइनली आई है यहाँ पे और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। मैं गाइस देखो अभी आया हूँ मैडम के माँ के घर पे। तो देखो मुझे खाने का भी ऐसा नहीं है, खाने का नहीं मिलता है। ये देखो ये 10 रियाल मुझे मिला है पैसा पानी उनी के लिए, ठीक है। और ये देखो एक बोतल पानी और इसमें खाना है। खाना दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा खाना है, खाने लायक खाना मिलता है कि नहीं दिखा देता। ये देखो चटनी है, हरा चटनी अपने यहाँ का। ये देखो क्या है इसमें, माशाल्लाह अच्छा चीज़ है, अच्छा चावल है। ये देखो देख रहे चावल, फर्स्ट क्लास चावल मिला है और पानी भी मिल गया। तो चलो इसको, लेकिन ये लोग काम से जब फ्री हो जाते हैं तो खाना मिलता है, ठीक है। और मैडम ने भिजवाई है, पैसा भी भिजवाई है देखो, और पानी भी भिजवाई बताएं आपको। और ये देखो खाना है, फर्स्ट क्लास चावल है, साथ में 2 चटनी भी मिला है, हरा चटनी। और ये देखो चम्मच है, आराम से खाने वाला है तो खा लो, नहीं खाने वाला है तो भाई पैसा मिला ही है, जाकर आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो वेट करने का भाई ये सिस्टम है, तुम जाओगे वेट करोगे, कहीं भी जाओगे शादी में पार्टी में, तो पार्टी में जाओगे तो वहाँ तो खाना मिलेगा ही। लेकिन जब तुम यहाँ पे मान लो अभी मैडम निकलेगी 4-5 बजे यहाँ से पार्टी में होटल पे, तो अभी मुझे खाना वाना दे दिया। अभी जानती है कि सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, सुबह से ड्यूटी है मेरा, तो खाना वाना दे दिया, ठीक है। आराम से खा लेते हैं फिर वेट करते हैं। और सुलमान का दे के आए हैं सर पर का वो जो बांधते हैं ना, वो उसको ले के आना है खा पी कर, फिर उसको ले आकर दे देते हैं। फिर शाम को देखते हैं मैडम कहाँ जाती है, क्या है पार्टी है शादी क्या है, ठीक है। वो चावल कितना बढ़िया है, आज हमारा आँख देखो लाल हो गया, सोए नहीं हम सुबह से। और अब लोग वीजा वीजा के लिए पूछ रहे थे ना, मेरा वीजा वीजा कहाँ से आप लिए हैं। मैं वीजा लिया हूँ अपने बड़े भाई से, मेरा सबसे बड़ा भाई का नाम है साहिल मार्क। मैं आईडी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी तुमको बात हो जाएगा उन पे। और तुम्हारा ये जो भी काम होगा वो सारा भैया कर देंगे, और मेरा नाम बताओगे तो भाई तुम्हारा 40% 30% तुम्हारा ऑफ रहेगा। ये मेरे भाई का आईडी है साहिल मार्क 083। ये देखो ये हमारे भाई का आईडी है, ठीक है, आप लोग सर्च मार लियो और सही से देख लो। ये मेरा सबसे बड़ा भाई है मेरा, तभी बड़ा था। तो तुम लोग मेरे भाई से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा भाई सारा चीज़ काम करता है, वीजा से लेके अगर तुम्हारा किसी कागज पत्र में नाम वाम गलत है, एड्रेस गलत है, जन्मतिथि गलत है, सब चीज़ सही कर देता है मेरा भाई। तो हम लोग मेरे भाई से मिलो और एक बार बात करो, मैसेज करो वीजे के लिए, सब चीज़ के लिए। ये देखो अभी देखो बाइक राइडर वाले वीजा में डाले हैं अभी वो सारा चीज़। तो अभी जाओगे आप लोग फटाक से ना, तो अच्छा वीजा रहेगा ना रियाद में को, तो आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके जुरंत मेरे भाई से कॉन्टेक्ट करो आप लोग, और खाना वाना खा लेते हम भी। इधर मर्चा जो हम लोग अचार भर के खाते हैं ना, ये चावल में खाते हैं, इतना बड़ा बड़ा मर्चा। और इतने चावल में देखो कितना मर्चा, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो 5 मर्चा है एक चावल में, ठीक है। तो हम खा लेते हैं और जाके मेरे भाई से बात कर लो आप लोग बीजे वीजे के बारे में, और जैसा बात हो मुझे कमेंट करके बताना, हम बात कर लेंगे अपने भाई से। अगर कोई आप लोगों को पैसे वैसे का डाउट होता, कोई फर्जी काम नहीं भाई, कोई फर्जी काम नहीं है, पूरा मेरा भाई है, खास भाई है मेरा, ठीक है। आईडी में जाओगे मेरा फोटो वोटो सब होगा मेरे भैया का आईडी में, एकदम ट्रस्ट वाला काम है भाई, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं। गाइस खाना वाना खा लिए हैं और सुलमान का दिए हैं उसका कपड़ा लेके आ जाते हैं जो सर पे पहना जाता है, क्योंकि रात हो जाएगा अभी,
लिया कर रख लेते हैं गाड़ी। मैडम बोली 2-3 घंटा बाद लेके आना, मैं बोला हूँ कि कोई बात नहीं मैं लेके आ जाऊँगा, तो चलते हैं लेके आ जाते हैं। वो जो सर पे नहीं पहनते वो क्या बोलते हैं यार, टोपी वोपी टाइप का वो, वही लेके जाना है, तोप का ऊपर का जो तेरे मेरे यार सन का। सलाम वालेकुम, टाइप सो इजी है ना फिर मतार सो इजी इस्त्री यार मैडम इस्त्री खलास बाद नहीं जी सो इजा ओके। तो ये देखे वो भाई जो मैं सतीश बात कर रहा था, तो थोड़ा सा सऊदी थोड़ा सा सेहत तबीयत तबीयत खराब है, तो अपने घर के सामने ही ना थोड़ा सा दुकान लगा के चॉकलेट वोकलेट रख के ऐसे टाइम पास करते हैं कुर्सी पे बैठ के। हाँ अल्लाह ने हर चीज़ दिया है लेकिन टाइम पास के लिए बस, कभी कोई भी जाता है तो हाथ दे के सलाम दुआ करके रुकाते हैं वो। अभी हम जा रहे हैं मकसला पे, बाबूदान रुकिए। हाय 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 भगवान आपको समझाएंगे और बोलेंगे कोई भी चीज मांग लो, तब क्या मांगोगे उनसे? मौत मांगोगे क्या? इधर से कोई है तो बताओ यार, मैं ये कौन सी जगह है, 26 नंबर है और इधर ट्रैफिक व्राफिक कम रहता है, देखो पूरा रास्ता खाली है। अभी चाहे तो रॉन्ग साइड रेल देंगे हम सटाक से ना लेकिन आज सुरता रुका दिया हमारा, फट गई है भाई, हमको लगा आई गई चलान वलाना आज, लेकिन बच गए। आज आया होता तो बुड्ढा कसम तो छोड़ता नहीं, क्योंकि पता है एक महीने में 2000 रियाल का, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 2000 रियाल मुखालफा आया है, और फिर 2000 का भी कल परसों आया था, फिर आज 100-200 रियाल आज भी आ गया होता, चलो खुल गया। अब देखो इधर से हम रॉन्ग, देखो ये इधर हम नहीं जा सकते लेकिन रॉन्ग साइड इधर से घुस के हम अपना आगे निकल सकते हैं। देखो ये मैं गलत हूँ, अगर कोई आकर लड़ाएगा तो मेरा गलती पकड़ा जाएगा। ये देखो इसको, देखो इसको गलत कर रहा है, इशारा खुल के नहीं इसको घुसना चाहिए। तू लगा ये देखो, ये मकतब है, यहाँ पे कपड़ा वपड़ा धुलाता है, परेस वरेस होता है, दिखाते हैं हम आपको। ये है मकतब, ये अपने पैसे से भाई लेके जा रहे हैं। अब 1-2 रियाल मैडम के पास तो है ही नहीं, अब उसे मांगने तो जाएंगे नहीं भाई। तो ये देखो ये मकतब है, ये देखो ये परेश्वर मेरा हो गया दे दो। कितना हुआ? 3 रियाल तो जुरंत होता है तब तो लगता है 3 रियाल ना, ये तो वेटिंग में था। हाँ नहीं यार, हम लोग की तरफ तो अभी 2 रियाल में हो रहा है, 3 रियाल में। अच्छा 3 रियाल जुरंत, हमारे तरफ जुरंत करते हैं तो 3 रियाल लेते हैं। चलो भाई ले लिया, यही लिया था सुलमान का, परहेज करवाने के लिए दिए थे। और देखो इधर भाई 1 रियाल ज़्यादा ही लग रहा है भाई, हम लोग की तरफ 3 रियाल में जुरंत करके देते हैं, अगर वेटिंग पर रहता है तो 2 रियाल में। तो हर जगह अलग अलग रेट चल रहा है भाई इधर। अब देखो 8-9 बजे निकलेगी मैडम मेरी, पता नहीं कहाँ जाएगी यार, कितने बजे जाएगी, इसीलिए रूम पे खाना नहीं बनाते हैं। देखो अभी बनाए होते ज़्यादा मछली उछली तो बाहर ही रख के आए हैं, एसी भी बंद कर दिए हैं, फ्रिज में भी नहीं रखे हैं। तो इसका प्रेस कराई 3 रियाल लगा है, इंडिया का 80 रुपया। ये देखो इशारा इस पर, देखो ये बिना कैमरे वाला है, बिना इशारे उशारे में भी आदमी इस पर निकल जाता है। देखो ये चालू है, बंद है कैमरा, फिर भी हम निकल जाएँ क्योंकि फ्री वाला है भाई, ये थोड़ा जाम एरिया नहीं है ना, इसीलिए इधर कैमरा वैमरा नहीं लगा है। बेबी तेरी सुकुमारी दा, ओ बेबी तेरे सुकुमारी ना।
इधर घर देख रहे हो, इधर घर थोड़ा अलग अलग है, हमारे साइड में पूरा एक ही जैसा घर है, और सऊदी का पूरा घर देखोगे तो एक एक बिल्डिंग एक ही जैसा सारा बना रहता है, क्योंकि ये सब एक ही थ्रू से काम होता है, एक ही मालिक को लेके कि सारे नक्शे पे बनता है, अच्छा भी लगता है। नहीं देखो, हर दो भाई हैं, दो भाई का घर है, दो भाई का एक जैसा घर, देखो ये दो अलग, ये देखो इसमें भी दो है, देख रहे हो दो भाग दिख रहे हैं पट्टी, वहाँ से भी दो अलग, इसमें भी दो भाई, ये दुकान उकान है, दुकान का तो बात ही नहीं है, सिग्गा है, ये सब सिग्गा है, भाड़े पे चलते हैं, ये सब भाड़ा वाला रूम है, जो लोकल जो रहते हैं लोग ना, जो काम करते हैं अपना, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। और इंतज़ार करने में भाई एक चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर टॉयलेट वॉयलेट जाना होता है तो भाई बहुत दिक्कत होता है, 8-9 बजे के बाद मस्जिद बंद हो जाता है, उसके बाद भाई इधर कहीं बाहर नहीं रहता है। आगे पेशाब वेशाब तो भाई किसी ड्राइवर वाइवर के रूम पे जाना पड़ता है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में ये एक रहते हैं यहाँ पे, अभी आए थे मिले हैं, कह रहे फिर वो जाना तो बताना, अभी वहीं रुके, कहते आते आते बुलाते हैं हमको, लेकिन हम गाड़ी में बैठे रहते हैं यार, अब ज़्यादा हमको ट्रस्ट ना है दोस्ती यारी पे। ये दे देते हैं सुलेमान को लिया के, अंदर कहीं पैन वैन के निकलेगा तो मैडम अभी फिर बोलेगी, उससे बढ़िया ला कर दे दो, फोन मार देते मैडम को, बोल देते हैं लेके जाओ भाई ये बाहर। तो गाइस दे दिया मैं लेके गया, देखो लौंडा आया था मेरे कपिल का, अभी देखो जब निकाल के पहनेगा ना कुर्ता, वो सारा तोप तब दिखाएंगे आपको भाई। मिठाई कितना पैक कर लिए हैं, अब उसके पीछे पीछे चलना है, उसके भी गाड़ी में रखा रहा है, कितना मिठाई है देखो, हम कह रहे ना शादी वादी कुछ है, पार्टी शार्टी देखो उसमें भी मिठाई रखा रहा है। गाइस ये जो सामने गाड़ी चला रहा है मेरे कपिल का सार है, मेरी मैडम का छोटा भाई है, अब इसके पीछे पीछे जा रही है, मिठाई वहीं पहुंचाना है, होटल होटल बुक हुआ होगा, मुझे मालूम था कि आज सगाई उगाई है शायद, वैसे भी हम लोग को कुछ मालूम नहीं चलता है, अगर कुछ रहता अभी है तो वैसे अंदाज से लग जाता है कि भाई कुछ है, तो मुझे लग रहा है मेरी मैडम के बहन के सगाई उगाई है, चाहे देखने उकने देखा देखो देखने उकना होता है ना वो सब होगा, इससे पिछले बार भी मैंने इसी होटल में आया था, डीजे वाला वीडियो जो डाला हूँ ना यहीं का है, ये देखो मैरिज हॉल है, ये देखो कितना शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब यही मिठाई उतारेंगे। गाइस इन सबको छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं रूम पे, ठीक है, और इशारा प्रूफ कहूँ देखो, और कितना टाइम हो गया, 9 बज गया, क्योंकि कल मदरसा है तो मैं इसीलिए रूम पे जा रहा हूँ, अब कपिल लेके आएगा साथ में, कपिल भी आया मेरा, तो आज तो भाई दबा के ड्यूटी लगा, आ गया हूँ मैं रूम पे, और इतने रात को आने का फायदा भी है मेरा भाई, कपिल मेरा देखो क्या दिया है, अभी देखते हैं, गाड़ी लगा देते हैं पार्किंग में, आज की रात बड़ी कातिल है, टाइम क्या हो गया 12:30 आज की
सब कोई मार रहा है नींद भाई। हर बरसात झील है खाना वाना खाया था और ये देखो जमजम का पानी मेरे कपिल ने दिया है अपने भाई को देने के लिए, इसको रखें हमी। और ये दिया देखो क्या है, माशाल्लाह क्या क्या मिल गया आज। कल जा यार, क्यों परेशान कर रहा है। ये क्या है भाई, इसमें रोटी है और क्या है, खुबूस। ये खुबूस है, इसमें चिकन उकन रहता है। अभी तो खाऊंगा नहीं यार, उसको कल खा लेंगे। ये खा लेते हैं रोल अपना, एकदम ताज़ा है। और ये भी चिकन वाला ही है, ये देखो चटनी के साथ खा लेते हैं इसको। गाइस खाक देखते हैं कैसा लगता है, ये कौन सा चटनी है। वाओ इसकी खुशबू गजब की है, देखो इससे खाने वाला है। ये मेरा है पराठा, पराठा नहीं है सैंडविच है, पराठे के जैसा है। सफल कैसा दिख रहा है यार, लाइट तो है। ठीक है गाइस, अब जा रहे हैं हम खा के सोने, क्योंकि हो गया है रात 12:30 और कल सुबह जा रहे हैं मदरसा। तो डेली ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा उड़ना नहीं है शेयर करना। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।